إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعريفين الله تعالى ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، उसी से हम बख्शिश मांगते हैं और हम अपने नफ्सों के शर से और अपने आमाल के बदनाम अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक सबसे सच्ची बात अल्लाह ताला की किताब है, और सबसे बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सबसे बुरी बात नई चीजें ईजाद करना है, और हर नई बात और हर गुमराह मिले जाने वाली है। नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज मुख्तसर से वक्त में आपके हुजूर जिस मौजू की वजाहत करनी है वो मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां हैं। मौजू बड़ा तवील है और वक्त बड़ा कलील। इस मुनासबत से मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए इल्ला के जहां तफसील की जरूरत हो इस मौजू की वजाहत करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमेशा हक कहने, सुनने और समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, मौजूदा दौर के मुस्लिम उम्मत के इज्तिमाई हालात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि हालात दो मुस्बत मनफी पहलुओं पर मुश्तमिल है। जहां तक मुस्बत पहलू की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कायनात में रब के फरमाबरदार ऐसे लोग भी हैं जो रब की रजाजोई के लिए किताब व सुन्नत के मुताबिक शरीयत पर मुकम्मल कारबंद रहने की कोशिश करते रहते हैं। इबादत, मामलात और अखलाक उनकी जिंदगी में नुमाया नजर आती। दीन इस्लाम से मोहब्बत, उसके खातिर दावत दीन व इशाअत के लिए हर किस्म की जानी माली और वक्ती कुर्बानी देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला इन हमागीर मेहनतों इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, और दूसरा मनफी पहलू जो मेरा आज का मौजू है जिस पर मुझे बात करनी है, दौरे हाजिर के आलात मासिया उम्मत मुस्लिमा जमाने जाहिलियत से ज्यादा मनफी असरात डाल चुके हैं। हर कसम के फितने उम्मत से दो चार हैं, उम्मत दो चार है। बातिल अकायद नजरियात, बिदात व खुराफात, मुनकरात व फवाहिश, शुबहात व शहवात के दलदल में मोहम्मदिया बुरी तरह फंस चुकी है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई के मुताबिक हमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस दौर से ताल्लुक रखते हैं। एक रिवायत के मुताबिक इसकी तायिन हो जाती है। इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्ला अपने मुसन्नफ में सही सनद के साथ हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान की है। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे खदशा है कि तुम पर आसमान से शर नाजिल हो और फयाफी तक पहुंच जाए। कहा गया, अय अबू अब्दुल्ला, ये फयाफी क्या है? तो फरमाया, बे आबाद बंजर जमीने। अरबों की लुगत में लफ्ज असमा हर उस चीज को बोला जाता है जो इंसान के ऊपर होती है। लुगत की मशहूर अरब इसमें हर चीज को कहते हैं जो बुलंद हो, जो आप पर साया फिकन हो। टीवी, सैटेलाइट, हर उस फितने और
अखलाक को खराब कर देने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो मस्नूई सैयारे तक पहुंचाते हैं। हत्ता के आज जंगलों और शहरों में भी खीमे भी इस फितने से महफूज नहीं रह सके। आलात मौसीकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गई है। मर्द तो मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, शबो रोज सब इस फितनों में बुरी तरह मुबतला है। मोहतरम नाजरीन, मौजूदा हालात से आज कोई हर वाकिफ है। नित नई बीमारियां, हर किस्म के फितने, गुनागुन मसाइब व मशाकिल को परेशानी से बचने के लिए जहां बहुत सारी कोशिशें होती हैं, तो इसमें एक रास्ता खुदकुशी का भी अपनाना है। गर्ज कोई ना कोई रास्ता इंसान के पास है, इस बात से कत नजर के सही है या गलत। अक्सर ऐसे हालात में अक्सरियत गलत राह अपनाती है, जबकि इस्लाम ने हमें मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। उम्मत मुस्लिमा का फरीजा है कि लोगों की सही रहनुमाई करें, इन हालात का सही मानों में जायजा लेने और खुद का मुहासबा करने की तरगीब दिलाएं। मोहतरम नाजरीन, ये कानून इलाही है कि कौमों की जिंदगियों में ऐसे सख्त हालात आते हैं जहां इन्हें अपना वजूद खतरे में नजर आने लगता है। बिलखसूस मुसलमान जरूर जमीन पर खालिक कायनात की मर्जियात के नुमाइंदे और उसके अहकाम तशरिया के पाबंद हैं, जो जब वो अपनी मनसबी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते और बेएतदालियों के शिकार होकर ज्यादा हक से हटने लगते हैं, तो इनके इर्द गिर्द हालात का घेरा तंग कर दिया जाता है, ताकि वो अपने बेराह रवि को छोड़कर मर्ज हक के ताबे हो जाएं। और कभी नामुसाद हालात इसलिए भी आते हैं ताकि आजमाइश की भट्टी में डालकर देख लिया जाए कि आया वो सब्र सबात कदमी के तकाजों को पूरा करते हैं या उनके पाए इस्तेकामत में लग्जिश आती है। अल्लाह ताला का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। और हम जरूर तुम्हें खौफ और खतर, फाका कशी, जान और माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुबतला करके तुम्हारी आजमाइशें करेंगे। इन हालात में जो सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ताला ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, तो इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। नाजरीन, हमारी जिम्मेदारियां, मौजूदा दौर में हमारे जिम्मेदारियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक इंफरादी जिम्मेदारियां और एक इज्तिमाई जिम्मेदारियां। सबसे पहले हम इंफरादी जिम्मेदारियों को मौजूए सुखन बनाएंगे, इसलिए कि इज्तिमाईत की बका और तहफ्फुज़ दरअसल इंफरादियत पर ही मुनहसिर है, वरना सही मानों में इज्तिमाईत का वजूद ही नामुमकिन। जिस कौम में अति जिम्मेदारियों का एहसास न हो, वो कभी कौम तरक्की और उरूज का ख्वाब नहीं देख सकती। हम दूसरों ही को हमेशा दोष ठहराते हैं, दरअसल अपनी कोताहियों को छुपाने के मुतरादिफ है। इसकी अहमियत के पेश नजर मैं इस दर्स को सिर्फ इंफरादी जिम्मेदारियों तक ही महदूद होगा। मोहतरम नाज़रीन, इंफरादी जिम्मेदारी से बात फिर जाती इस्लाह और जाती तरबियत है। हर इंसान सालेह बन जाए तो एक पाकीज़ा और सालेह माशरा वजूद पजीर होगा। इसलिए हर इंसान को सबसे पहले अपनी जात पर तवज्जो देने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दूसरों की इस्लाह और तरबियत से पहले अपने जाती इस्लाह और तरबियत का ही हुक्म दिया था। सूरह अलक मुद्दसिर मुज़म्मिल की इब्तदाई आयत के मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती ग्रामी थी। बाज़ औक़ात उम्मत के रहनुमाई व इस्लाह के लिए बज़ाहिर आप ही को मुखातब किया गया। अलगर्ज आपकी नबी जिंदगी इसकी आयनादार है और आपने उम्मत को भी यही तालीम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहु अलैहिम रब की रजा व खुशनुमाई की सनब सहाबा इकराम को दरअसल
इन नफूस कुदसिया की अपने जाती इस्लाह और तरबियत की बुनियाद पर ही मिली, यानी दीन इस्लाम की तालीमात पर वो कमा हक व अमल पैरा हो गए। जाती इस्लाह जाती फसाद पर ही इलाही कानून में तब्दीली रोनुमाय होती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अन्फुसिहिम वइदा अरादल्लाहु बि क़ौमिन सूअ फला मरद्दा लह वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ में तब्दीली नहीं लाती, और जब अल्लाह ताला किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर किसी के टाल नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, इस आयत में काबिले गौर बात यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता युगय्यिरु मा बि अन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपनी जाती जिंदगी को न बदले। मतलब यह है किसी कौम की अच्छी या बुरी हालात की तब्दीली उनकी जाती जिंदगी की तब्दीली पर मुनहसर होती है। अगर वो खुशहाल जिंदगी से मुंसलिक हैं और जब तक अल्लाह ताला की इन नामतों की कदर करते रहेंगे, ये नामतें बाकी रहेंगी। जब ये नाशुक्री करेंगे तो नामतें छीन ली जाएंगी। इसी तरह अगर नागुफ्ता बुरे हालात का सामना हो जब तक अपने आमाले सैया से बाद नहीं आएंगे, इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और अगर अल्लाह ताला से रुजू व इनाबत की राह अपनाई जाए और उसकी बंदगी को इख्तियार किया जाए, अल्लाह ताला इन्हें खुशहाल जिंदगी मुयस्सर कर सकता है। और हालात की तब्दीली अल्लाह ताला के इरादे और मशियत ही से होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहुल्लदीना आमनु वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुद्दालिमीन। और हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदल बदल करते रहते हैं, और अल्लाह ताला जानना चाहता है कि कौन ईमान वाले हैं, और वो तुम में से बास को शहादत का मर्तबा देना चाहता है, और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी हम कभी तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर गालिब कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारी तरफ से कोई ना कोई मसलियत हिकमत जरूर होती है, जबकि अंजाम कार फतह व नुसरत मुसलमानों ही की है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलियअलमल्लाहुल्लदीना आमनु, और ताकि ईमान वालों को मुमताज कर दे। दरअसल वहद के हालात के मुतालिक है जिसमें मुसलमानों को नसीहत की जा रही है। इससे पहली बात तो ये मालूम होती है हालात की तब्दीली अल्लाह ताला की इजाजत ही से रोनुमा होती है, और दूसरी बात अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत कार फरमा होती है। मसलन आजमाइश यानी ईमान जांचने का पैमाना भी हम कह सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा, हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे। अल्लाह ताला को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन, और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि हमसे बाजी ले जाएंगे। ये लोग बहुत बड़ा गलत फैसला कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, तीसरी हिकमत ये भी है कि लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला फरमाता है
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. इस बड़े अजाब से पहले हम दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चकाते रहते हैं, शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाए। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, अजाब से मुराद दुनिया के मसाइब, बीमारियां, आफतें और वो आजमाइशें हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मुब्तला करते रहता है, वो इसके तौबा कर लें। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआत लअल्लहुम यरजिऊन, और हम उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद वो पलट कर आए। ये आयत अगरचे कि बनू इसराइल के मुतालिक है, लेकिन जिन सैयाद हसनात से अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की ताकि रुजू व इनाबत इख्तियार करे, वही कानून इलाही इस उम्मत पर भी मुंतबिक होता है। ये सिर्फ बनू इसराइल के लिए खास नहीं, बहरहाल हालात चाहे जैसे भी हों, हालात में तब्दीली लाने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला की जात ही से अपना उस्तवार कायम किए बगैर कोई चारा नहीं। सभी को अल्लाह ही की तरफ रुजू करना इंतहाई ना गुरेज है। मोहतरम नाजरीन, इनफरादी जिम्मेदारियां बेशुमार हैं, चलिए एक एक करके आपके सामने गोश गुजा करता हूँ। सबसे पहली जिम्मेदारी हम पर यह आयद होती है कि हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जो है जोड़ें। ताल्लुक बिल्ला, इसका मतलब क्या है? जाती इस्लाह। जाती इस्लाह के बाब में सबसे पहला नंबर ताल्लुक बिल्ला ही का आता है। इसकी वजह यह है कि आज जिन हालात का हमें सामना है, इन हालात को बदलने या तब्दीली लाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, इसलिए कि हर शर और खैर का खालिक अल्लाह ताला ही है। कायनात की तदबीर और तहकीम अल्लाह ताला ही फरमाता है। अल्लाह ताला का इरशाद आली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु खालिकु कुल शैइन व हुवा अला कुल शैइन वकील, लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ض, वल्लदीना कफरू बिआयातिल्लाह उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह हर चीज का खालिक है और वही हर चीज पर निगहबान है। जमीन और आसमानों के खजानों की कुंजियां उसी के हाथ में, उसी के पास हैं, और जो लोग अल्लाह ताला की आयात से कुफर करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। नाजरीन, ताल्लुक बिल्लाह के बेशुमार असबाब वसाइल हैं, चंद मैं आपके सामने गोश गुजा करूंगा। इल्म तौहीद, नंबर एक इल्म तौहीद। इंसान जब तक अपने खालिक की हकीकी, अपने परवरदिगार को ना पहचाने, इससे सही मानों में ताल्लुक अल्लाह ताला से वो कैसे कायम कर सकता है? इस बाब में ताल्लुक दो तरह का है, एक अल्लाह उसके बंदे के दरमियान, ये ताल्लुक तो पैदाइश से पहले ही कायम है और ये अब तक कायम रहेगा। हमारी तखलीक उला, रहम मादर, अय्याम हमल, माँ की पेट की जिंदगी जिसको कहा जाता है, हयात दुनवी जिससे हम गुजर रहे हैं, हयात बरज़खी कब्र की जिंदगी, और हयात रवी पर मुहित, और दूसरा ताल्लुक बंदे उसके दरमियान का है, और यही ताल्लुक की दुरुस्तगी अल्लाह ताला चाहता है। अंबिया और रसूल की बेसत, कुतुब समाविया का नुजूल, उलमाए इकराम का वजूद, सब इसी ही के लिए है, ताकि उसके बंदे सही मानों में उसी ही के होकर रहें। इसके लिए अलावा किसी और से अपना ताल्लुक बंदगी कायम न करें। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ऐ नबी खूब जान लो, यानी इल्म हासिल करो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। ये खिताब बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, दर पर्दा पूरी उम्मत इससे मुखातब है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला मन शहीदा बिल हक व हुम यालमून, इल्ला इनके कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। मोहतरम नाजरीन, इल्म की दो किस्में, एक फर्ज आयन है और दूसरा फर्ज किफाया है।
जो इल्म फर्ज आयन है वो शरीयत यानी दीन इस्लाम का इल्म है, और इसी इल्म के तालुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म शरई दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन न हासिल करने की सूरत में लोग अल्लाह ताला को छोड़ करके गैरों से उम्मीद लगाए बैठे और इसी ही की इबादत में मसरूफ हैं और उसी को अल्लाह ताला की हकीकी इबादत तसव्वुर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक दूसरा नंबर दो, ताल्लुक बिल्लाह के असबाब में सब आमाले स्वालिहा हैं जो एक बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूती पैदा करते हैं। लेकिन आमाल में सरे फहरिस्त आमाल हैं जो एक हदीस कुदसी में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाए, इन सब आमाल को अपना कर हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के मुकर्रब और महबूब बंदे बन सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आदंतुहु बिलहर्ब वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशै احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी दोस्त से वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत मुझको इससे ज्यादा पसंद नहीं जो मैंने इस पर फर्ज की है, यानी फराइज मुझको बहुत पसंद है, जैसे इल्म हासिल करना, नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है वगैरह वगैरह, और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नफिल इबादतों इबादतें करके मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। हजरत वक्त की किल्लत के पेश नजर माजरत के साथ आप कहूंगा कि मैं अहदीस को अपने महल इस्तेशाद के तौर पर ही बयान करूंगा। फराइज में मोहतरम नाज़रीन, फराइज में नमाज अव्वल दर्जे में, इसलिए इसकी अहमियत भी ज्यादा है। दुनियावी व उखरवी फलाह बहबूदी का सबब नमाज ही को बताया गया। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, अहले ईमान कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू खुदू इख्तियार करते हैं, और आगे फरमाया और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। कामयाबी सिर्फ अहले ईमान ही की होती है। अहले ईमान की सिफात का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने सबसे पहली सिफत नमाज के एहतमाम की बतलाई है, और आगे फरमाया वो नमाज की हिफाजत करते हैं। हिफाजत का मतलब वक्त पर किताब व सुन्नत के मुताबिक खुशू खुदू के साथ अदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बहुत ज्यादा अहमियत दी। वक्त इंतकाल आपने फरमाया नमाज नमाज नमाज, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत को बताते फरमाया जिसने नमाज बजमात अदा की अल्लाह ताला के जुम्मे में होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, और तबरानी की रिवायत में मन सल्ला सलातल من صلى جماعه الصبح فهو في ذمه الله فلا يتبع عنكم الله بشيء من ذمته, जिसने फजर नमाज पढ़ ली तबरानी की रिवायत में जमात के साथ पढ़ ली वो अल्लाह ताला की पनाह में है, फिर इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ताला इसकी पनाह तोड़ने की वजह से तुम्हारे दर पे ना हो जाए। नाज़रीन, इस बाब में तिर्मिजी की एक रिवायत भी मद्दे नजर रखनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कुंत खल्फन खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फक़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात यहफ़िज़ुल्लाह यहफ़िज़ुका तजीदुहु तुजाहक इदा सअलत फसअलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मा लव इज्तमअत अला अन यन्फ़उक बिशय लम यन्फ़उक इल्ला बिशय क़द कतबहुल्लाहु लक وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ। मैं एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे था,
आपने फरमाया, ऐ लड़के बेशक मैं तुझे चंद अहम बातें बतलाने जा रहा हूँ। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला के हुकूक का तुम ख्याल रखो तो तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करो। और जब बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नफा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है। अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जमा भी हो जाए तो सारे लोग मिलकर इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा ले गए और सहीफे खुश हो, यानी तकदीर के सहीफे खुश हो गए। इंतहा अजीम शान और जलील कदर नसीहत है। अल्लाह ताला की हिफाजत से मुराद उसकी हुदूद और उसकी हिफाजत है जो उसके अवामाई से इज्तनाब करने से मुकम्मल होती है, जिसका लाजमी तकाजा यह है कि दीन का इल्म इस कदर हासिल किया जाए कि तमाम इबादात मामलात शरीयत के मुताबिक अंजाम पाए, जुमला उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का रंग हो, न कि हवाए नफ्स और बिदात और खुराफात का। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो अल्लाह ताला सिला और जजा के तौर पर हमारी हिफाजत फरमाएगा। और यह हिफाजत दो तरह की है, एक दुनियावी मसाले यानी अकल व नस्ल जान व माल अहल व अयाल की हिफाजत। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून, और तुम इस अहद को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, और मैं उस अहद को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया, और मुझे से डरते रहना। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के ऐसे बेशुमार लश्कर है जिनको हम नहीं जानते, व जुनूदन लम तरुहा। अल्लाह ताला फरमाता है लहु मुअक्किबातुन मिन बैन यदैही व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, हर शख्स के आगे पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला अहले ईमान को इन उमूर का हुक्म देता है जो उनके ईमान का तकाजा है, यानी अल्लाह ताला उसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहें, और अल्लाह ताला उसके रसूल ने जो हुक्म दिया उसकी तामील में सब्त करें, और इन्होंने जिस चीज से रोका है उससे बाज रहें। एक मिसाल के जरिए से मैं दो मिसाल के जरिए से वजाहत करूंगा कैसे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है। शरीय हुदूद की पाबंदगी से अल्लाह ताला हिफाजत हमारी फरमाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाह मिस्र की मलिका ने दावत गुनाह दी तो इसकी कबूल से इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला ने इस सबर पर इनका ये सब इख्तियारी था उनकी हिफाजत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وراودته التي هو في بيتها النفس وغلقت الابواب وقالت حيث لن قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المخلصين عباد المخلصين جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر روڑے ڈالنے لگی और एक दो दरवाजे बहुत दरवाजे बंद करके बोली आ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब जे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं। अल्लाह ताला ऐसे जालिम कभी पना नहीं फला नहीं नहीं पाया करते। वो इसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ बढ़ जाते अगर अल्लाह ताला के यानी रब के बुरहान को ना देख लेते। अल्लाह ताला फरमाता है इसी तरह हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को हटा दें, बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। हजरत नाजरीन, इंसान अगर गुनाह और मासियत से बचने का मुकम्मल इरादा कर ले और उसकी बचने की थोड़ी भी कोशिश करे तो अल्लाह ताला की पूरी मदद आ जाती है और वो उसे पूरे गुनाह से बचा लेता है। और अगर किसी का कोई गुनाह से बचने का इरादा ही ना हो, बस दुआओं पर इक्तिफा करता है, अय अल्लाह ताला मुझे गुनाह से बाज रख, आखिर अल्लाह ताला उसे गुनाह से कैसे बचाए क्योंकि उसने तो गुनाह से बचने की कोशिश नहीं की। अल्लाह ताला इंसान की नीयतों इरादों को देखता है,
महज आरजुओं से कुछ हासिल नहीं होता। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वल आजिस मन तबअ नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह, ने आजिस बेवकूफ जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा दिया, जो सिर्फ उम्मीदों पे तकिया किए बैठा होता है और नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। दूसरी मिसाल हदीस गार के नाम से मशहूर है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बनू इसराइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू इसराइल के जमाने का एक वाकया, तवील वाकया जिक्र फरमाया। तीन आदमी रास्ते से गुजर रहे थे, बरसात होने की वजह से अचानक के गार में चले गए। अल्लाह ताला का करना ये था, बड़ा चट्टान आ करके मुंह पे बैठ गया। उन तीनों ने हटाने की कोशिश की, न हटे, तो तीनों मिल करके कहने लगे, अल्लाह की कसम इस मुसीबत तो सिर्फ दिला सकती, बेहतर यह है कि हम अब हर आदमी, हम में का हर आदमी अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो खालिस अल्लाह ताला की रजा मंदी के लिए किया था। चुनांची एक ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला तू खूब जानता मैं एक मजदूर था जिसने एक फरख यानी 300 चावल की मजदूरी पर मेरा काम किया था, लेकिन वो गुस्सा आकर आदमी चला गया, अपने चावल छोड़ गया, फिर मैंने उस एक फरख चावल को लिया और उससे काश्त की, इससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीदे। इसके बाद बहुत दिन बाद वो शख्स मजदूर शख्स दोबारा मेरे पास लौट करके अपनी मजदूर लेने के लिए आया, तो मैंने कहा ये गाय बैल सब तुम्हारे हैं, लेकर चले जाओ। तो उसने कहा मेरा तो सिर्फ एक फर्क चावल तुम पर होना देना वाजिब था। मैंने इससे कहा कि सब गाय बैल ले जाओ क्योंकि इसी एक फर्क की आमदनी। आखिर वो गाय बैल लेकर के चला गया। ऐ अल्लाह, फिर कहने लगा, बस ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की है तो इस गार का दरवाजा मुझे खोल दे। इसी तरह नाजरीन दो और शख्स थे जिसने अपने माँ बाप की खिदमत के तौर पर हमेशा दूध पिलाया करता था, बकरियों का दूध लाना पिलाना। एक मरतबा इत्तेफाक से वहां के बकरियां चराते हुए दूर चले गए, वापस आने में देर हो गई। आने तक बच्चे बीवी सब सो गए थे, माँ बाप भी सो गए। बकरी वगैरह का दूध धो करके ला करके पिलाना चाहा तो क्या देखा कि माँ बाप सो चुके। मैंने सुबह तक इंतजार किया और इन्हें उठाना भी नामनासी समझा। ऐ अल्लाह ये काम मैं सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए किया हूँ, तो अल्लाह अगर मैंने इस रजामंदी ही के लिए किया है तो अल्लाह ताला इस चट्टान को दूर कर दे। अल्लाह तबारक ने चट्टान को और थोड़ा हटा दिया। इसी तरह से एक तीसरा इंसान भी है, तीसरा शख्स यूं दुआ की जिसने, एक तीसरा आदमी वो भी था जिसने कहा कि अल्लाह ताला मेरे चचाजाद एक बहन थी जिससे मैं मोहब्बत किया था और मैं चाहता था कि उससे कुर्बत हासिल करूं। बहरहाल जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा कि अल्लाह ताला से डर, अल्लाह तबारक व ताला से डर। तो उस डर की वजह से मैं वहां से उठ करके चला गया। ऐ अल्लाह ताला मैं सिर्फ तेरे डर ही की वजह से उस गुनाह से छोड़ा है, अगर तू जानता है कि मैं सिर्फ तेरे डर ही से गुनाह से बाज आया हूँ, ऐ अल्लाह ताला तो हमें तो हमारी मुश्किल आसान फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल दूर कर दी और वो तीनों बाहर निकल गए। नाज़रीन मोहतरम नाज़रीन इसी तरह इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ज़ाती मुहासबा। एक कंपनी सामान तैयार करती है, पहले उसका बहस बनाती है, मार्केट के रेट के मुताबिक तैयार शुदा सामान की कीमत तय करती है और सामान फरोख्त हो जाने के बाद अपने मुनाफा और खसारे का हिसाब लगाती है। ये सब इसलिए होता है ताकि नफा नुकसान का तखमीना करके तिजारत को सही रुख दिया जा सके। इंसान जिस्म में नफ्स कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसका हिसाब और किताब तो कुछ इस अंदाज से होना चाहिए, इसलिए कि इंसान दुनिया में एक जिम्मेदार हस्ती बनकर आया। सच तो यह है कि दुनिया और आखरत की सआदत और नेकबख्ती नफ्स की तादीब, इस्लाह, तज़किया और तत्हीर में,
जबकि नफ्स की शकावत तो बदबख्ती, इसमें खराबी मैल खवासत तो नजासत भर देने में। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قد افلح من من زكاها وقد خاب من دساها, यकीनन कामयाब हो गया वो आदमी जिसने उसका नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ जिसने उसे अपने नफ्स को आलूदा किया, दबा दिया। नफ्स की पाकिजगी तत्हीर ईमान व अमले सालेह से होती है जबकि इसकी पलीदगी खराबी फसाद कुफ्र और गुनाह की वजह से है। लिहाजा एक मुसलमान के जरूरी है कि अपने योमिया आमाल का जायजा लेता रहे कि उसने अपने रब की मर्जियात के लिए क्या क्या किया, फराइज की अदायगी की क्या नहीं। अगर फराइज में कोताही होती है तो अपने नफ्स को मलामत करे, जजर व तौबीह करे और उसकी तलाफी की कोशिश करे। अगर सुन्नतों नवाफिल में कोताही पाई जा रही है तो उस कोताही को दूर करे, और अगर इसके अच्छे मामलात नहीं है अपने मामलात को दुरुस्त करे और पाकीजा करे। अगर गुनाह का रसिया है तो तौबा करे, नदामत इनाबत और इस्तिग़फ़ार के जरिए अपने रब को राजी करे। आज अगर हम अपने जिंदगी का जायजा लें, इंफरादी तौर पर हर मुसलमान अपनी जारियों से दोष नजर आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया था, अगर तुम आयद करदा जिम्मेदारियों से बाज आ जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मखसूस अजाबात में मुबतला कर देगा। मुस्तदरक और इब्ने माजे की रिवायत है, बड़ी तफसील रिवायत है, मैं सिर्फ महल इस्तिशहाद के तौर पर हदीस को आपके सामने गोशुदा करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुहाजरीन की जमात पांच बातें हैं, जब तुम इसमें मुबतला हो जाओगे और मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तुम इसमें मुबतला हो जाओ। वो पांच बातें यह हैं। पहली है कि जब किसी कौम में ओपन अलानिया फहश बिस्को फजूर जिनाकारी होने लगे तो इनमें ताऊन ऐसी बीमारियां फूट पड़ती हैं जो इनसे पहले के लोगों में न थी। दूसरी बात यह है, जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो कह सारी अशी तंगी और अपने हुक्मरानों की ज्यादती का शिकार होते हैं। तीसरी बात यह है कि जब लोग अपने मालों की जकात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है, और अगर जमीन पर चौपाए ना होते आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। चौथी बात यह है, जब लोग अल्लाह उसके रसूल के अहद पैमान को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला इन पर उनके अलावा लोगों में से किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देता है, वो जो कुछ इनके पास होता है छीन लेता है। पांचवी बात यह है, जब उनके हुक्मरान अइमा अल्लाह ताला के किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते और अल्लाह ताला ने जो नाजिम किया उसको इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला इनमें फूट और इख्तलाफ डाल देता है। जरा शेख अताउल्लाह साजिद हफीदाहुल्लाह ने शरह की, बड़े अच्छे अंदाज में इसकी शरह फरमाइए। बेहयाई के नतीजे में आतिश सुजाक जैसी बीमारियां पैदा होंगी, फिर एड्स हेपेटाइटिस वगैरह की बीमारियां सामने आ गई। कोई माशरा बेहयाई से जितना महफूज है उसी कदर इस पर बीमारियां भी कम पाई जाती हैं। नाप तोल में कमी लालच और हिर्स की वजह से होती है, इससे दूसरों का हक मारा जाता है, इसलिए इसकी सजा भी मारे नुकसान साली की सूरत में मिलती है। जकात माल में बरकत, जकात माल में बरकत का बायस है। जब माशरे में जकात देने वाले कम हो जाए तो इसकी सजा में माशरे का रिज़्क रोक लिया जाता है। दूसरों पर रहम करने वाले पर अल्लाह रहम फरमाता है, इसके बरक्स दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला, इनकी मदद न करने वाला और उनकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाने वाले पर अल्लाह ताला कभी रहम नहीं फरमाता। इसी तरह से मोहतरम नाजरीन, इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला को कसरत से याद करना है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को हमेशा कसरत से जिक्र करने का हुक्म दे दिया, और जब मशाकिल व मसाइब का सामना हो तो इसकी ताकीद रहती है। जंगे खंदक के मौके पर मुसलमान बड़े परेशान थे, कुरान मजीद ने इनके हालात और कैफियात को इस अंदाज से बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. जब दुश्मन ऊपर से नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे तुम्हारी आंखें फतरा गई, कलीजे मुंह को आ गए, और तुम लोग अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। आगे अल्लाह ताला ने ताकीद के साथ फरमाया, कसरत से उसे सुबह शाम अल्लाह को याद किया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसके मलाइका तुम पर दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ लेकर आए, और मोमिनों पर अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के ऐसे अज़कार बताए और सिखाए जिनका एहतमाम किया जाए, हर किस्म की बला मुसीबत से बचा जा सकता है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दुआओं का एहतमाम करते थे। हजरत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाहु तआला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات, अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम से जमीन और आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। क्या दुआ है? उसका तर्जमा ये कहे, सुबह तो तुझे सुबह तक अचानक कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। दुआ का एहतमाम करने पर आपने फरमाया, इसे अगर कोई कहे तो सुबह तक, सुबह का एहतमाम करे तो शाम तक, शाम में तीन मरतबा इसका एहतमाम करे तो सुबह तक कोई किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचती। रावी हदीस अबू मौदूद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फिर रावी हजरत अबान बिन उस्मान रहमहुल्लाह पर फालिस का हमला हुआ तो आदमी जिसने इसे हदीस सुनी थी ने देखने लगा, नहीं तो अवान ने उससे कहा, मुझे क्या देखते हो? कसम अल्लाह ताला की, न मैंने हजरत उस्मान की तरफ झूठ मंसूब बात की है और न ही हजरत उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया, लेकिन बात यह है मैं इस दुआ का एहतमाम करना सुबह में भूल गया, जिसकी वजह से मुझ पर गुस्सा सवार था और गुस्से में दुआ को पढ़ना भूल गया, तो इसकी वजह से मुझे यह हमला हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को करार दे दिया। ला इल्लाह का मतलब जानने के बाद अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इनफरादी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला से दुआएं करना है। दुआ इबादत के साथ साथ मोमिन का हथियार भी है, इसी से मोमिन मुसल्ला होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर हालातों में, खास करके जब परेशान कुनात हो और भी दुआ मांगने में संजीदा हो जाया करते थे। चंद दुआओं का आपके सामने गोशुला करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा मिन दावतिन यदउ बिहा अल-अब्द अफजल मिन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरा। बंदा जो भी दुआ मांगता है वो इस दुआ से अफजल नहीं होती। हजरात, इसी तरह से सुबह शाम के अज़कार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम करते थे, उसमें से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफवा वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवआती, अल्लाहुम्मा अहफज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी واعوذ بعظمتك ان اقتال من تحتي, अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत का सवाल करता हूँ। अल्लाह मैं अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहल और अपने माल में तुझसे माफी और आफियत का सवाल करता हूँ। अल्लाह मेरी पर्दा वाली चीजों पर पर्दा डाल दे और मेरे खौफ को अमन में बदल रख दे। अल्लाह मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं तरफ से,
मेरे बाएं तरफ से मेरे ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं इस बात से तेरी अजमत की पनाह चाहता हूँ कि अचानक अपने नीचे से हलाक कर दिया जाऊं। इसी तरह से बेहतरीन दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका एहतमाम करते थे, ये आउद भी कलिमातिल्लाहि तामतिल्लती ला युजावजुहुन्न बर वला फाजर मिन शर मा खलक बरा व दरा मिन शर मा ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر شر فتن الليل والنهار ومن شر من شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارق يطرق به خير يا رحمن. زي تراسي ناظرين الله کے نبی صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں آدمیوں کے دلوں दिल परवरदिगार की दो उंगलियों के बीच में है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है उसे बदलता है, फेरता है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मुसर्रिफुल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ऐ अल्लाह दिलों के फिराने वाले हमारे दिलों को फेर दे अपने इताअत पर। मोहतरम नाज़रीन, इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आपकी जिंदगी को हमारे लिए उस्वा और नमूना बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करल्लाह कसीरा। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह ताला को याद करे। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में तीन महाज पर काम किया, एक दावत अल्लाह, इसी पर आपने सारा जोर लगा दिया। अल्लाह ताला के फजल व करम से बेशुमार साहब और साहबियात ईमान लाए, और दूसरा काम वहदत ईमान वालों में, ईमान लाने वालों में एक जहती पैदा करना, और तीसरा काम हुस्न अखलाक, या हम उसको खिदमत खल्क भी कह सकते हैं। जब मुशरिकीन की जानिब से इजाएं तकलीफें बढ़ने लगी, हर किस्म के तकालीफ और मशाकिल से आपको दो चार करने लगे, इसके जवाब के तौर पर या उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने आपको हुस्न अखलाक का हथियार दिया था। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन फइदा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीउन हमीम। ऐ नबी, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, तुम बदी को इस नेकी से दूर करो, दफा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मिस्ताक हैं। नबुव्वत से पहले ही आपके औसाफ़ हमीदा का तस्करा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला इन अल्फाज में फरमाया, कल्ला वल्लाह ला यज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिरुर रहम व तहमिलुल कल व तकसिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नुज़ूल के बाद परेशानी के आलम में अपने घर आए, अहले खाना को आगाह किया, तो आपको हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने तसल्ली देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला आपको कैसे जाया कर सकता है, यानी हरगिज़ जाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप में ये सिफात पाई जाती है। पहली सिफत यह कि आप सिला रहमी करते हैं, दूसरी है कि बेकसूर का बोझ उठाते हैं, तीसरी है कि बेकसूर लोगों की किफालत करते हैं, और चौथी सिफत है कि आप हमेशा हक बात की अयानत के लिए तैयार रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक मिसाल और है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी घराने के एक लड़के की बीमार होने पर यादत करने के लिए चले गए। यादत के दौरान बीमार लड़के से कहा, ऐ लड़के, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद वराक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लड़के ने अपने वालिद को देखा, मतलब अपने वालिद से इजाजत तलब कर रहा हो। वालिद ने इस बात में सर हिलाया तो उसने लड़के ने कलमे तौहीद का इकरार कर लिया, अल्लाह के रसूल अभी थोड़ी दूर गए भी नहीं थे, ये खबर पहुंची कि वो इंतकाल हो गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान फरमाई और कहा अल्लाह ताला ने एक और जान को जहन्नम से आजाद फरमाया। सर नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने तालीफ़ कल्ब का भी जिक्र फरमाया कि इसके जरिए से दावतुल्लाह में बड़ी मदद मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर इसका जिक्र फरमाया। इसी तरह से फितनों के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम हजरत उबाय इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला को नसीहत करते फरमाया, नसीहत कर रहे थे कि नसीहत का उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल मन नजा, ऐसे फितनों का जमाना होगा, परेशानियां होंगी, तो हम कैसे नजात हासिल करेंगे। आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपने जबान को काबू में रखो, वलियसअका बैतक, अपने घर में रहा करो, वबकी अला खतियतिक, अपने खताओं पर आंसू बहाया करो। आज के फितन परवर जमा दौर के अंदर इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करेंगे, बेशुमार फितनों से हम बच सकते हैं। इसी तरह मोहतरम नाजरीन, इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है, तक्वा सब्र इस्तिकामत इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तुबलाउन्ना फी अमवालिकुम अनफुसिकुम ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور। اسی طرح فرمایا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما تعملون محيط। اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه अल्ला तखाफू वला तहजनू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इन तीनों का ताल्लुक ज़ब्ते नफ्स से है, यानी खुद को काबू में रखना, यानी अल्लाह ताला की इताअत पर खुद को जमा देना, उसकी मासियत से खुद को बचा के रखना, हमारे जिंदगी के मुतालिक उसके किए गए फैसले पर राजी हो जाना, इसी का नाम तकवा सब्र और इस्तेखामत है। और जब्त नफ्स का ताल्लुक इंसान के दिल से। मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने ये बातें में जिक्र कर देता हूँ। शेख नासिर रहमान रहमानी हफीज़हुल्लाह बड़े आलिम दीन हैं, फरमाते हैं इंसानी दिल इंसान जिस्म का बड़ा अजीम और हसास हिस्सा है। दिल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम के तमाम आमाल का दारो मदर नीयतों पर है, और नीयत का महल मस्कन जाय करार इंसान दिल है। इंसान के सर गुनाहों के इंसान के गुनाहों के असरात की अलगार उसके दिल पर बड़े मजबूत तरीके से होती है, और गुनाह के असरात दिल पर मुख्तलिफ नौयत से वारिद होते हैं। पहला नंबर एक, सबसे पहला असर इंसान के दिल पर यह होता है, दिल में खजी और टेढ़पन पैदा हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तआला ने फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फासिखीन, फिर जब उन्होंने टेढ़ी इख्तियार की तो अल्लाह तआला ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, अल्लाह फासिकों को भी हिदायत नहीं देता। इसीलिए मोहतरम नाजरीन, एक कुरान मजीद की दुआ भी है, बार बार उसका एहतमाम करना है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। एक और असर गुनाहों का दिल पर यह होता है कि दिल बड़ा ही कलक और इस्तराब महसूस करता है, उसके दिल में परेशानियां घर करने लग जाती हैं, सुकून और इत्मीनान उस शख्स का खो जाता है, क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार रहो अल्लाह की याद ही से इन दिलों को नसीब इत्मीनान नसीब होता है। गुनहगार का दिल चूंकि जिक्र इलाही से दूर होता है, लिहाजा इत्मीनानियत और तस्कीन हासिल करना नहीं पाता, जो ज़ाकिरीन अल्लाह ताला को हासिल होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अश्शैतान जाकिबुन अला इब्न आदम फइदा सहा व गफल व इदा ज़कर अल्लाह खनस। इंसान शैतान इंसान के दिल के साथ चिमटा हुआ है, बस जब इंसान गाफिल हो जाता है तो शैतान उस
पर हमला करता है और जब अल्लाह ताला को याद करता है तो वो सुकड़ जाता है। इसी तरह नाजरीन नंबर 2-3 दिल पर वारिद होने वाले असरात में से एक असर ये भी है, मुस्तकिल गुनाह से एहसासे खता इंसान के दिल से जाता रहता है। गुनाह उसकी नजर में हकीक और मामूली हो जाता है और इब्तिदा में जो गुनाह नापसंदगी उसको होती थी वो गुनाह मुसलसल करने की वजह से वो खत्म हो जाती है। जैसे कि ज़र्बुल मसल है, इदा कसरल मसास ज़ारल एहसास, जब कोई चीज कसरत के साथ आमने सामने आती रहे तो उसकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है और ये अलामत हद दर्जे खतरनाक और हलाकत खेज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे महसूस करता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा है और डरता है कि कहीं उसके ऊपर न गिर जाए। बदकार अपने गुनाहों को मक्खी की तरह हल्का समझता है, वो उसके नाक के पास से गुजरी तो उसने अपने हाथ से उसके इशारा कर दिया। मोमिन बंदा अपने गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन गुनाहों के दिल पर असरात में से इंतहाई खतरनाक दर्जा यह है, गुनाह की कसरत के बायस गुनहगार का दिल जंग आलूद हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, और आलूदगी उसको मजीद पे दर पे गुनाह पर उबार देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी मिसाल कुरान मजीद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, फिर जब वो गुनाह को छोड़ देता है, इस्तिग़फ़ार और तौबा करता है तो उसके दिल की सफाई हो जाती है, सिया धब्बा मिट जाता है। और अगर वो गुनाह दोबारा करता है सिया नुक्ता मजीद फैल जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल पर छा जाता है और यही वो रान कुरान मजीद में जिक्र किया गया। इस आयत का मतलब ये हरगिज नहीं बल्कि दरअसल इनके दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ चुका है। इसी तरह से नाजरीन ये बहुत ही बेहतरीन मिसाल के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात समझाई। मंदरजे बाला मिसाल बड़ी हौलनाक है, दिल सिया औंधे मुंह पर पड़ा हुआ पहले के मानंद होता है। उसका माना यह है कि जिस तरह पहले में जो चीज भी हो, पानी दूध कोई भी मशरब वगैरह, अगर इस प्याले को उल्टा कर दिया जाए तो गिर जाती। इसी तरह सिया दिल के मालिक शख्स के दिल में जिस कदर भी ईमान की रोशनी थी वो दिल के सिया होने के बाद दिल में नहीं रहती, बल्कि उसका दिल हर किस्म की नेकी और अच्छाई से खाली हो चुका होता है। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन इज्तिमाई जिम्मेदारियों में से इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी भी है, नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अल्लाह के नबी कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इस पर बड़ा जोर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो, वरना अल्लाह करीब है कि तुम पर अल्लाह ताला तुम पर अजाबात में मुबतला कर दे और तुम अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारे दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह जंग उहद के मौके नबी करीम सहाबा इकराम के एक जगह पर मुकर्रर किया और कहा था, जंग किसी भी हालत से दो हो जाए, फतह हो या शिकस्त तो नहीं हटना, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से इब्तदाई मरहले में मुशरिकीन भाग में सहाबा इकराम जो रुके हुए खड़े हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया था वो तक नीचे आ गए। बाद में उनको नीचे आने की वजह जंग का माहौल बदल गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मुसलमान नहीं कर दिया, जानते सहाबा इकराम पे माने नुकसान हुआ और नाफरमानी का खामियाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और शिद्दत दुश्वार बना, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। इसी तरह से मोहतरम नाजरीन इनफरादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि दीनी मजालिस का एहतमाम करें, कम अज कम ऐसी महफिल में शिरकत करें
दीनी तालीम पर मुश्तमिल हो। आज के मौजूदा दौर में ऑनलाइन प्रोग्रामों में शिरकत भी दीनी मजालिस की एक शक्ल है। आइए इस ताल्लुक से कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिक्र किए देता हूँ। जैसे इंसान जिंदगी अकेला नहीं सकता, उसे लाजिमन तमद्दुनी माशी से साधना बैठ पड़ता है। लेकिन अमूमन हमारे बैठकें गर्चे दुनियावी मसाले के लिए होती हैं, दीन इस्लाम ने उससे मना नहीं फरमाया, बल्कि हर काम वकाज के आदाब व उसूल बताए, जिनका पास और याद रखना हर मुसलमान पर जरूरी है। इन्हीं कामों में एक काम दीनी मजालिस हैं, जिसमें शिरकत करना है और इसके आदाब का ख्याल रखना है। इससे बेशुमार फायदे होते हैं। दीनी मजालिस में शरीक होने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। एक बड़ी लंबी रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार फरिश्तों को इसीलिए पैदा फरमाया कि वो चलते फिरते रहें। अल्लाह तआला ने बेशुमार फरिश्तों को इसीलिए पैदा किया कि रास्तों में फिरते रहते रहते अल्लाह की याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जब ऐसे लोगों को पा लेते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को आवाज देते हैं, आओ हमारा मतलब हासिल हो गया। फिर निचले आसमान का अपने घरों से घेर लेते हैं, हम पर अपने रब की तरफ चले जाते हैं। तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि अपने बंदों को मुतालिक खूब जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते थे। वो जवाब देते हैं कि वो तेरे तस्बीह पढ़ रहे थे, तेरे किबरिया बयान कर रहे थे, तेरे हमद बयान कर रहे थे, तेरे बड़ाई बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा कि का जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनका उस वक्त क्या हाल होगा अगर वो मुझे देख लेते? फिर जवाब देते कि अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी बहुत ज्यादा करते, तेरे बड़ाई और ज्यादा बयान करते, तेरे तस्बीह और ज्यादा बयान करते। अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाता है, फिर मुझसे क्या मांगते? फरिश्ते कहते हैं कि वो जन्नत मांगते। अल्लाह ताला पूछता है कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा? आप फरिश्ते जवाब देते हैं कि नहीं, अल्लाह की कसम तेरे जन्नत को नहीं देखे। तो अल्लाह ताला मालूम करता है, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। फरिश्ते जवाब देते हैं, अगर उन्होंने जन्नत को देख लिया होता तो इससे और भी ज्यादा हरीस और उसके ख्वाहिशमंद हो जाते, सबसे बढ़कर उसके तलबगार हो जाते। फिर अल्लाह ताला पूछता है, वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, जहन्नम से। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा? कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला की कसम उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर जहन्नम को देख लेते तो फरिश्ते कहते हैं वो सबसे आगे होते और सबसे ज्यादा उससे खौफ खाते, दुआएं मांगते। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनकी मगफिरत कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से एक फरिश्ते ने कहा, इनमें फला फला बंदा भी था जो अल्लाह ताला से याद करने वालों में से नहीं था, बल्कि वो किसी जरूरत की वजह से यहाँ पर आया हुआ था। अल्लाह ताला फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनकी मजलिसों में बैठने वाला कभी ना मुराद नहीं होता। नाजरीन, चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने गोशुदा कर दिया। इस ताल्लुक से और भी बातें और भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने चंद बातें पेश कर दी। जो कुछ अच्छाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कुछ खता लग्जिशें वो अल्लाह ताला से नहीं बल्कि मेरी जात से शैतान की तरफ से। मैं कमाल का दावा नहीं करता, बस मैं इसी पर इक्तफा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहिंता शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे हकीर बंदे को आपके साथ प्रोग्राम में शरीक होकर कुछ कहने और सुनने का मौका दिया। और मैं जिद्दा दावा सेंटर के जिम्मेदारों और मुंतजमीन का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में शिरकत का मौका दिया। अल्लाह ताला आपकी रोजमर्रा मेहनतों को कबूल फरमाए, तादम हयात आपकी ऐसी खिदमत लेता रहे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, जिंदगी में, माल व दौलत में, औला औलाद में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। और आखिर में फिर एक मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, हम सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम की कमाह को समझने उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.